नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फिलाटेक शेयर के बारे में, जो कि शेयर आपके लिए बाय करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इस प्राइस पे इस शेयर को बाय कर सकते हैं। और देखिए, कंप्लीट हम एनालिसिस जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, वीकली चार्ट मैंने लगाया है, तो वीकली चार्ट से हम शुरुआत करेंगे, फिर डेली चार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक ट्रेंड लाइन है, छोटा मोटा ये ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेकआउट भी कर चुका है। और यहाँ पर बात करें, ये सपोर्ट रीजन है इसका, तो सपोर्ट रीजन 90 के नीचे जाता है तो फिर ये बेरिश होगा, अदरवाइज ये स्टॉक अभी साइड बेज है। बुलिश तब होगा जब ये यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, जो कि है 142 रुपीज। तो देखिए, यहाँ से काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो। अगर यहाँ पर देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ये कैंडल जो है इस कैंडल को इनगल्फ कर रखा है। अगर इस कैंडल का वीक आपको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ तो बायर आया था, बायर इसको प्राइस को ऊपर ले जा रहा था, इस प्राइस को रिजेक्ट किया, सेलर तो इतना ही प्राइस को नीचे लाया। जितना इस कैंडल का बॉडी है, उस बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ कर रखा है। और वैसे हम जब इस ऊपर निकलेगा 105 रुपया, मतलब 106 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, तो ये पूरी तरह से इनगल्फ हो जाएगा कैंडल। 106 के ऊपर आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे रखना है, जो कि 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लेकर चलना है। और पहला टारगेट यहाँ पर आपको जो लेके चलना है वो है 117 रुपीज का। देखिए 117 पर अच्छा खासा यहाँ पर रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पर 134 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो पहला टारगेट 17 का होगा, दूसरा टारगेट 134 का होगा। तो पहला 1:1 पे आप यहाँ पर ले सकते हैं, दूसरा 1:2 पर। वहीं अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है 142 को, तो आप यहाँ पर इस ट्रेड को राइड कर सकते हैं लंबे प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 1:2 आपका अचीव हो जाता है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे हाफ क्वांटिटी जैसे, और स्टॉप लॉस को जैसे ट्रेल कर लेंगे 1:1 के टारगेट पे स्टॉप लॉस को रखेंगे। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप ट्रेड को राइड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये कंप्लीट जो चार्ट है इसका, जहां पर आपको बाय करना है, ये पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, टारगेट ये फर्स्ट है, ये सेकेंड टारगेट है, इसके ऊपर जाता है, ट्रेड को राइड करेंगे, ये चार्ट मैंने टेलीग्राम पर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। तो अगर आप भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको भी ये चार्ट मिलता रहेगा, जो अलग अलग स्टॉक जो कि बाइंग आप कर सकते हैं, वो स्टॉक्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या स्टॉक बाजार ओरिजिनल आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। फिलाटेक्स काफी बेहतरीन शेयर है, इसको आप बाय करके चल सकते हैं। अब देखिए, इसको डेली चार्ट पे ले जाते हैं, तो डेली चार्ट पे भी आपको सेम पैटर्न दिखेगा। देखिए, यहाँ पर एक बेहतरीन कैंडल, बुलिश कैंडल बना है, तो ये डेली चार्ट पे पूरी तरह से बाय है। बस इस लेवल को निकाल ले तो ज्यादा बेटर है, 106 के ऊपर तो काफी बेहतरीन हो जाएगा, प्राइस मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर हम देखिए, पहला 117-180 के टारगेट के लिए बाय करेंगे, दूसरा यहाँ पर 134 के टारगेट के लिए। तो डेली चार्ट पर तो और बेहतरीन ये चार्ट दिख रहा है, और काफी स्ट्रॉन्ग ये मोमेंटम कैंडल भी है। अब देखिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट ऊपर ना जा करके थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए या नीचे आ जाए, तो बाय ऑन डिप करेंगे तब तो और अच्छा है, हमारा स्टॉप लॉस भी काफी छोटा हो जाएगा। तो बाय ऑन डिप करना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर दिया है, अभी स्टॉक यहाँ पर साइडवेज है। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या करते हैं हम, सपोर्ट के पास जैसे रिवर्सल दिखता है तो बाय करते हैं, और रेसिस्टेंस के पास सेल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये बाय, मतलब यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करता है 106 रुपीज को, तो हम यहाँ पर गिरावट में बाय करेंगे। जैसे गिरावट में रिवर्सल दिखाएगा तो वहां पर बाय करेंगे, क्योंकि स्टॉक बेयरिश मोड में नहीं है। जो स्टॉक बेयरिश होता है, जो डाउन ट्रेंड में होता है, उसको हम गिरावट में बाय अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब तक वो अप ट्रेंड ना दिखाने लगे तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ये स्टॉक अगर 106 को क्रॉस नहीं करता है तो ये साइडवेज चला जाएगा, तो साइडवेज में क्या करते हैं हम, बाय ऑन डिप करते हैं। यहाँ पर बाय ऑन डिप रहेगा अगर स्टॉक यहाँ पर गिरावट दिखाता है तो। अगर ये 106 को निकाल लेता है तो फिर आप इसको राइड कर सकते हैं, पहला 117 के लिए, दूसरा 134 के लिए, और 142 के ऊपर जाता है तो आप इस ट्रेड को राइड करेंगे। तो ट्रेड को राइड तभी करना है 50% प्रॉफिट बुक करने के बाद। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और इस तरह के बेहतरीन शेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।